गुजरात राज्य सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और साथ ही मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के जन्मदिन के मौके पर आज राज्य भर में संवेदना दिन मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज सावली में सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति रही थी। आज सावली में संवेदना दिन को मनाते हुए सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले उसके लिए वोटिंग कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लोगों को मिल सके, इस बात का ख्याल रखा गया। सावली के विधायक केतन इनामदार की अगुवाई में सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू करवाया गया, जिसमें विधायक की ओर से सभी को इन सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की गई। इसके साथ ही वहां पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और सरकार की योजना के तहत लाभ स्वरूप आम जनता को सर्टिफिकेट और चेक का वितरण भी किया गया। कोरोना महामारी में अपने माँ बाप दोनों को गंवा देने वाले बच्चों के साथ वहां के विधायक ने खाना भी खाया और सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर सावली नगर पालिका के चीफ ऑफिसर, प्रमुख, उप प्रमुख, नगर सेवक और सभी कार्यकरों की उपस्थिति रही। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काचिया ने भेजी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी रूपाणी साहेब और नितिन भाई पटेल साहेब ना नेतृत्व की अंदर 5 वर्ष पूरा करती है। त्यारे पहली वक्त एवं बनी हे कि उत्सव दिन बनावामां आव्यो होय, 9 दिवस कंटीन्यू अलग अलग कार्यक्रमों आपवामां आव्या होय। त्यारे आ प्रसंगे उपस्थित चूंटणी लोकोना हित जनहितना ज होय छे। આજનો હેતુ સેવા સેતુનો એટલો જ છે કે ભાઈ આ સેવા સેતુ કેમ્પ જ્યારે આપણે કરતા હોય ત્યારે કે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર અલગ અલગ લાભાર્થીઓને દરેક કામ માટે ધક્કા ખાવા પડતા હોય, દરેક ટેબલ પર ફરવું પડતું હોય અને એ ના ફરવું પડે, દરેક જણ એક જ જગ્યા પર એક જ સ્થળ ઉપર એને તમામે તમામ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ કલેક્ટ કરવામાં સુવિધા રહે અને એને એ યોજનાનો લાભ મળે એ હેતુસર સરકારે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ કર્યો છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।